असलम दुबई से मैंने सवाल किया है कि मेरे रूम में एक शख्स रहता है जो ये बात कह रहा है कि हुजूर की मज़ार पर हाथ उठाकर दुआ मांगना नाजायज़ है, और ये भी कहता है कि क़िबला की तरफ हाथ उठाओ। इसके बारे में जवाब इनायत फरमा दें। ये शख्स अपने आप को सुन्नी कहता है। इस शख्स के बारे में जो आपने पूछा है, इससे पहले आप उसके सामने वहाबिया और देवबंदिया के अकायदे कुफरिया पेश करें और उसके बाद पूछें कि तो इनके बारे में क्या कहता है। अगर वो उनको काफिर कहता है तो ये शख्स सुन्नी है मगर जाहिल है, उस पर लाजिम है कि इल्म दीन हासिल करें। अगर ये शख्स उनके कुफरियात वाजे होने और यकीनी इत्तला के बाद भी उन्हें काफ़ी नहीं मानता तो ये खुद वहाबी या देवबंदी है और उन्हीं के ज़ुमरे में मनसक कफ़ी कुफरी व अज़ाब ही फ़कत कफर के ज़ुमरे में आकर खुद ये काफिर मुर्तद है। बहरहाल ये शख्स जो बातें कर रहा है ये किन बातों की बुनियाद पर, कम से कम या तो जाहिल है या गुमराह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद गिरामी है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाऊ का फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तवाबर रहीमा, यानी अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और तुम्हारे हुजूर हाजिर होकर अल्लाह से मगफरत तलब करें और रसूल भी उनके लिए इस्तग़फार करें तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला पाएंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि लोग अपनी जानों पर जुल्म करें तो महबूब आपकी बारगाह में हाजिर हों और अल्लाह से मगफरत की मगफरत तलब करें, यानी हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर दुआ करें। और जब दुआ करेंगे तो जाहिर है दुआ में रफा या दैन यानी हाथ उठाना सुन्नत है, तो हाथ भी उठाएंगे। लिहाजा जो है तो जब आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल ने खुद ही अपने महबूब के पास भेज रहा है और महबूब को आप भेज कर अल्लाह से दुआ करने के लिए हुक्म दे रहा है कि वह अल्लाह ताला से दुआ मगफरत करें और रसूल भी उनके लिए इस्तग़फार कर दें तो अल्लाह को ज़रूर तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। तो अब इस जाहिल की बात का कोई एतबार नहीं है। लिहाजा मैंने जो इसके अकीदा जांचने का तरीका बताया, पहले इसका अकीदा जांचें। अगर ये वहाबी है तो इसके बारे में इस तरह के सवाल पूछना ही बेकार है, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर हाथ उठाकर दुआ मांगे तब भी वहाबी होने की बुनियाद पर काफिर है, न मांगे तब भी काफिर है। अब अगर ये वहाबी नहीं है तो किसी की सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर ऐसा कह रहा है तो या तो जाहिल है या गुमराह है।